नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। एक बार गौरी जी ने शंकर जी से पूछा कि हे सर्वे, आपने स्वर्ग पाने के लिए तमाम तरह के धर्म समझ पर श्री गीता जी का महत्तम न सुनाया, जिसे सुनने की मेरी बरसों से इच्छा है। गीता से भगवान की भक्ति बढ़ती है और मरते समय प्राणी को स्वर्ग मिलता है। गौरी जी के पूछने पर विष्णु जी का ध्यान धर शंकर भगवान ने कहा कि हे उमा, लक्ष्मीपति ने कमला से जो महत्तम कहा उसे मैंने सुन लिया है और तुम्हारी भक्ति देखकर तुम्हें सुनाई देता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। एक दफे की बात है, कमला देवी ने भगवान विष्णु से पूछा कि सब लोगों को छोड़कर खीर सागर में अकेले क्यों निवास करते हैं, इसमें क्या भेद है? आज मैं तुमसे सुनकर ही रहूंगी। विष्णु ने कहा, अच्छा तुम जिद करती हो तो सुनो, मैं यहाँ इसलिए सोता हूँ कि मुझे गीता शास्त्र बहुत पसंद है। बड़ी खोजबीन करके वेदों के सार श्री व्यास जी ने गीता के एक एक हरफ में बहुत दिया है, जिसके आनंद में सदा मग्न रहता हूँ। कमला ने पूछा, तो कृपा कर गीता जी की महिमा मुझे खुलासा रूप में सुनाइए। विष्णु भगवान ने कहा, हे प्रिय, गीता को स्वयं ईश्वर ही समझो। शुरू के 5 अध्याय ईश्वर के मुख, 6 से 15 तक उनकी भुजाएं और 16वां और 18वां चरण है। विराट रूप के दर्शन सिर्फ ज्ञान की आंखें खोलने से ही जान सकते हैं। उस रूप के जिसे दर्शन प्राप्त हुए, समझ लो उसके सारे पाप छूट गए। गीता का एक अध्याय रोज पाठ करने से सुशर्मा की तरह पाप से मुक्त होकर स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। कमला ने फिर पूछा, हे प्रभु, सुशर्मा कौन था, उसका भी तो कुछ हाल सुनाइए। विष्णु जी बोले, हे कमले, सुशर्मा एक दुष्ट ब्राह्मण था। सिवा पाप के उसने कभी ना जप किया ना होम, यहाँ तक कि वह किसी मेहमान की भी खातिरदारी ना करता था। खेती करना, शराब पीना, मांस खाना और हर वक्त भोग विलास में समय लगाना ही उसकी आदत में दाखिल था। एक दिन वह अपनी बकरी को खिलाने के लिए एक बगीचे में पत्ते तोड़ रहा था, जहां उसे सांप ने डस लिया। वह तुरंत ही मर गया और नरक में जा पड़ा। पाप के फल से बरसों नरक में कष्ट सहता रहा। बाद में बल बैग की योनि में आया, जिसे एक भिखारी लंगड़े ने खरीद लिया। भिखारी बैल पर चढ़ा चढ़ा भीख मांगता फिरता था। बैल को भरपेट खाना न मिलने से वह दुबला और कमजोर हो गया था। एक दिन रास्ते ही में वह गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। आंखें निकालने लगा और मुंह से फैन निकालने लगा। यह सब होते हुए भी पिछले जन्म के पाप की वजह से उसके प्राण नहीं निकले थे। गांव वाले बैल की दुर्दशा देख बड़े दुखी हो रहे थे। उस पर तरस खाकर के लोगों ने भगवान से उसके भव कष्ट से छुटकारा पाने को प्रार्थना की। भीड़ इकट्ठी होती गई। इसी भीड़ में एक वैश्या भी आई। उसने कहा, मैं अपने पुण्य के बल से इसकी तकलीफें दूर कर देती हूँ। इतना सुनते ही वह बैल मर गया और उसका जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ। वैश्या के पुण्य प्रताप से उसे अपने पिछले किए हुए पापों की याद बनी हुई थी। एक दिन वह वैश्या से जाकर बोला, हे देवी, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसकी वजह से मैं बैल की योनि से मुक्ति पाकर फिर ब्राह्मण के घर आया हूँ। वैश्या ने कहा, मेरे घर में एक तोता पिंजरे में बंद है, वह सुबह कुछ पड़ा करता है, मुझे जिसकी बातें बहुत भाती हैं और मैं दिल से लगा उन्हें सब सुना करती हूँ। मेरी समझ में इसके अलावा कोई मैंने पुण्य नहीं किया। उस तोते से एक ब्राह्मण ने एक दिन जाकर के पूछा कि तुम सुबह सुबह क्या पढ़ा करते हो। तोते ने उत्तर दिया कि सुनिए विप्रजी, जहाँ आने के पहले मैं एक मुनि की कुटिया में रहा करता था। उनके चेले रोजाना गीता के पहले अध्याय का पाठ करते रहते थे, जिसे मैंने याद कर लिया है। मुनि आश्रम से एक चिड़ी मार ने मुझे पकड़ लिया और इस वैश्या ने अच्छी कीमत देकर मुझे खरीद लिया। तब से मैं इस कैद खाने में भी श्री गीता जी का सुबह पहला पाठ जिस मुनि की कुटिया में सुना था, हर रोज पढ़ लेता हूँ और आनंद से समय बिता रहा हूँ। तोते की बातें सुन ब्राह्मण की आंखें खुली और उस रोज से वह बारंबार
गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करने लगा। अंत में भगवान विष्णु ने कहा कि हे कमले, गीता के पहले अध्याय की महिमा से तोता, वैश्य और ब्राह्मण को स्वर्ग में स्थान मिल गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।